के नतीजे आए, कांग्रेस ने दो अपनी सरकार दो जगह बचा नहीं पाई, कुल चार जगह सरकार बना नहीं पाई, एक जगह ही सत्ता से नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिला। बीजेपी ने तीन राज्यों में सरकार बनाने जा रही है, एक जगह सीट और वोट बढ़ा है। लगातार होती कांग्रेस की हार और घटते सीट और वोट के बीच अब बीजेपी और कांग्रेस के साथी दल ही लक्षण भी कांग्रेस की सियासी बीमारी का बताने लगे हैं और इलाज भी। इसीलिए पहले देखिए, जैसे डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में समस्या को लिखते हैं, वैसे ही क्या समस्या कांग्रेस की बताई जा रही है। लगातार मिलती चुनावी हार, सरकार किसी राज्य में है तो उस सत्ता और सरकार को कांग्रेस कायम नहीं रख पाती, मुद्दे जो उठाते हैं जनता तक पहुंचा नहीं पाते हैं, लुभावने वादों से शॉर्टकट अपनाकर सत्ता पाना चाहते हैं। विपक्ष के साथी ही कांग्रेस को बताने लगे हैं कि कांग्रेस पार्टी दंभ में चुनाव लड़ने लगी है, सहयोगियों को साथ लेकर नहीं चल पाती है, सीट शेयरिंग के नाम पर अपना अहम ऊपर रखती है, नकारात्मक रूप से चुनाव लड़ना, विरोध के नाम पर सिर्फ विरोध करना, जनता का विश्वास जीतने में लगातार नाकाम रहना, ये लक्षण ये कांग्रेस पार्टी के बताए जा रहे हैं। अब इनमें सुधार के लिए कांग्रेस जब तक मंथन बैठक करती, उससे पहले प्रधानमंत्री ने ही सलाह की गोली दी, नसीहत का टॉनिक दिया, जनता के संदेश इंजेक्शन लेने को कहा और बताया कि मौका है, सुधार कांग्रेस में हो सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं, बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। गारंटी है भाई, गारंटी है। विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है, कांग्रेस और उसके घमंडीय गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है, सुधर जाइए वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। कुछ सबक, कुछ नसीहत, कुछ नम्रता पूर्वक सलाह, तंज के साथ कुछ मशविरा, कुछ सियासी पाठ, कुछ सियासी संदेश। कुछ ही राज्यों में सत्ता में बची कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों को पिछले 24 घंटे में बहुत कुछ प्रधानमंत्री ने दिया है। तीन राज्यों में हैट्रिक लगाने के बाद संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन मीडिया के पास प्रधानमंत्री पहुंचे और बोले, और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं, अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। फ्री के सियासी वायदों से सत्ता चाहने के कटघरे में खड़े विपक्ष को फ्री की ही सलाह प्रधानमंत्री ने दी, क्यों दी उन लक्षणों के बारे में बताएं। इससे पहले सलाह सुनिए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है, निराश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कृपा करके बाहर के पराजय का गुस्सा सदन में मत उतारना। हताशा निराशा होगी, आपके साथियों को आपका दम दिखाने के लिए पुनर्कुर करना भी पड़ेगा, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के इस मंदिर को वो मंच मत बनाइए। और अभी भी मैं कहता हूं, मैं मेरे लंबे अनुभव के आधार पर कहता हूं कि थोड़ा सा अपना रुख बदलिए, विरोध के लिए विरोध का तरीका छोड़िए, देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए, तो मौका है, ये मौका जाने मत दीजिए। प्रधानमंत्री की सलाह के एक एक शब्द को डिकोड करें तो पराजय शब्द इसलिए बोला क्योंकि कांग्रेस की चार राज्यों में हार हुई है, गुस्सा इसलिए बोला ताकि संसद सत्र में हंगामा कांग्रेस के सांसद ना करें, विरोध के लिए विरोध इसके बहाने सीख दी है कि राजनीति का तरीका कांग्रेस बदले, नफरत का शब्द इसलिए आया क्योंकि जनता ने कांग्रेस को चार राज्यों में नकार दिया है, मोहब्बत शब्द इसलिए इस्तेमाल किया ताकि सिर्फ
इस शब्द के सहारे सियासी दिखावे की राजनीति ना हो और मौका यानी सुधार लाया जाए। संभव है कि आप कहें कि इसी साल कांग्रेस पार्टी कर्नाटक भी जीती, हिमाचल में भी जीती, हारी तो बीजेपी भी है, फिर क्यों प्रधानमंत्री सलाह दे रहे हैं? चुनाव के नतीजे जरूर निराशाजनक हैं, पर हम निराश नहीं हैं। इसीलिए हमने कुछ और आंकड़े खोजे जो दो तीन बातें बताते हैं। कांग्रेस को खासकर नसीहत इसलिए प्रधानमंत्री दे रहे हैं क्योंकि 2014 से 2023 के बीच 60 विधानसभा चुनावों में 46 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, दो लगातार लोकसभा चुनाव की हार अलग। 2011 के बाद यानी पिछले 12 साल में कांग्रेस किसी राज्य में सत्ता रहते प्रो इनकम्बेंसी के साथ दोबारा नहीं लौटी, यानी किसी राज्य में दूसरे दल के शासन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर खुद बनी तो विकल्प के तौर पर कांग्रेस को जीत का मौका मिला, अपने दम पर सरकार कांग्रेस दोबारा नहीं जीता पाई। इसीलिए लगातार चुनाव हारने की राजनीतिक बीमारी में फंसती कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री ने सलाह की गोली, सबक का टॉनिक और जनता के संदेश का इंजेक्शन दिया है। जैसे तैसे जीतने के लिए हवाई हवाई बातें करना और लोभ लालच की घोषणाएं करना ये मतदाता पसंद नहीं करता। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए। ये उन दलों उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते, उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ रहे हैं ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। सबक यह है कि सिर्फ कुछ परिवारवादियों के मंच पर एक साथ आ जाने से फोटो कितनी अच्छी निकल जाए देश का भरोसा नहीं जीता जाता। गाली गलौज, निराशा, नेगेटिविटी ये गमंडिया गठबंधन को मीडिया की हेडलाइन जरूर दे सकती है लेकिन जनता के दिल में स्थान नहीं दिला सकती। मेरी कांग्रेस और उसके साथियों को नम्रता पूर्वक सलाह है, कृपा करके ऐसी राजनीति न करें जो देश विरोधी ताकतों को बल दे। जब भी विकास होता है कांग्रेस और उसके साथी विरोध करते हैं, जब हम वंदे भारत ट्रेन लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी उसकी मजाक उड़ाते हैं, जब हम आयुष्मान भारत लॉन्च करते हैं तो कांग्रेस और उसके साथी इसमें रोड़ा अटकाते हैं। ऐसी सभी पार्टियों को आज गरीबों ने चेतावनी दी है, सुधर जाइए वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी।